मैंने बोला मैं आमिर खान को जेल में डालूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ इलीगल एक्टिविटीज जबरदस्ती, तो मैं जेल में डालने वाला हूँ आमिर खान को कि फैसल तुम पागल हो और तुम कल कोर्ट में जाओगे और तुम सिग्नेटरी राइट्स दे दोगे अपने। तो आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ। हाँ तो भाई साहब, अपने सके भाई के साथ आमिर खान ने जो सुलूक किया, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा करता होगा। अभी खुद फैजल खान ने, बोले तो आमिर खान से एक वर्ष छोटे उनके चचेरे भाई ने, एक इंटरव्यू के जरिए आमिर खान की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। हीरो के भेष में छिपे इस क्रिमिनल की हरकतों के बारे में अगर आप लोग जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप लोग सबसे पहले तो इस शॉकिंग वीडियो क्लिप को अपने आंखों से देख लीजिए। आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड। आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग टू अस और ये वो जो भी, पुलिस के साथ, और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली, तो ये सब शोर और हंगामा करने की जरूरत नहीं। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे बिकॉज यू हाँ बात बहुत अभी आपको बताता हूँ आप पूछ रहे हैं। तो बोले नहीं, तो अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको हम डॉक्टर हैं यहाँ, वो तुमको इंजेक्शन देगा, तुमको बेहोश करके हम लेके जाएंगे। एंड आई हैड पुट ऑन 100, आई हैड बिकम 103 किलोस दवा खाकर और मेरे एक्शन जिससे मेरा यार मेरा तो काम भी गया, पूरा राउंड हो गया, राउंड हो गया, सब मोटा हो गया। तो खैर मैंने फिर एक साल के बाद आमिर को बोला, एक साल आपने बोला था आप मुझे वापस छोड़िए घर जाने लिए, तो आमिर ने बोला ठीक है तुम जाओ। अराउंड 2007 सितंबर और समथिंग लाइक दैट ही कॉल्ड मी एंड ऑफ सितंबर कि फैसल तुम पागल हो और तुम कल कोर्ट में जाओगे और तुम सिग्नेटरी राइट्स दे दोगे अपने, कल डॉक्टर जाएगा तुम्हारे साथ एंड यू हैव टू गो एंड से इन द कोर्ट दैट यू कांट टेक एनी ऑफ योर डिसीजंस एंड यू आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग योर डिसीजंस एंड यू आर गिविंग एंड यू नीड अ गार्डियन। तो जब मुझे तो शॉक लगा कि ये सडनली क्या हो गया यार, अब ये क्या हो गया, ये तो यार वो रुक ही नहीं रहा है मामला। जज ने बोला कि यू गो टू जे हॉस्पिटल एंड डू अ टेस्ट अगेन। अच्छा तुमको बोला, हाँ कोर्ट ऑर्डर, तो तुम जाओ जे हॉस्पिटल, अगर तुमको क्लीन चिट देगा तो हम एक्सेप्ट दैट। तो इसलिए मुझे वापस नहीं दिया, वरना अगर वो नहीं आता आदमी सीधे फैमिली के पास वापस फिर से इंजेक्शन लॉकडाउन, और मैं आपके साथ बैठा भी नहीं होता, मैं वहीं होता। डेस्टिनी थोड़ा हेल्प किया, हाँ बहुत हेल्प किया ऊपर वाले ने, बहुत भगवान फिर जेजे में जाके केस चला, फिर जेजे में फिर वो केस चलता था जेजे में, फिर जेजे के फिर क्लीन चिट आ गई मुझे 20 दिन के बाद। मैं 20 दिन में मेंटल हॉस्पिटल में रहा, जनरल वार्ड में वहाँ खाना खाता था जनरल बॉम्बे में, जे हॉस्पिटल की, वहाँ टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जो भी नॉर्मल एक उनका प्रोसीजर होता है। आमिर खान के ऊपर लगे संगीन आरोपों पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।